आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। इसको जो है हम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं? ये शब्द ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं से आया है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये ग्रीन हाउस होता क्या है। आमतौर पे ये एक शीशे का जो है घर होता है, जो टेम्परेट कंट्रीज के अंदर जहाँ पे तापमान कम होता है वहाँ पे पौधों के पुष्पन और जो है फलन की प्रक्रिया को प्रमोट करने के लिए ऐसे शीशे के घर बनाए जाते हैं, जिनके अंदर जो है पौधे ग्रो कराए जाते हैं। इसकी शीशे की दीवार जो होती है वो सन से आने वाले रेडिएशंस को, जो कि शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं, शॉर्टर वेव लेंथ, इनको ये अपने थ्रू पास हो जाने देता है। और जब ये तरंगे सॉयल सरफेस पे टकरा करके लांगर वेव में आती हैं, लांगर वेवलेंथ में, तब इनको ये शीशे की जो वाल है वो अपने से बाहर नहीं निकलने देती है। और वहां पे जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर और साथ ही जो मेथेन गैस है वो इसको ट्रैप कर लेती है, उसको अवशोषित कर लेती है। और यहाँ का वातावरण जो है वो बाहरी वातावरण से गर्म हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया ग्रीन हाउस के अंदर होती है, ग्रीन हाउस को गर्म करने के लिए, यही प्रक्रिया जो है हमारे वातावरण के अंदर भी होती है, हमारे नेचर के अंदर भी होती है। हमारी जो पृथ्वी है ये एक एटमॉस्फियर से घिरी होती है और एटमॉस्फियर के अंदर बहुत सारी गैसें जो है मौजूद होती हैं। इनमें ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो कि लांगर वेवलेंथ के रेडिएशंस को, जो कि हीट फॉर्म में होती हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर जो है वो गर्म हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, समान प्रक्रिया जिस तरह से ग्रीन हाउस के अंदर हो रही है वही प्रक्रिया जो है इसके अंदर होती है। जो रेडिएशंस आते हैं शॉर्टर वेवलेंथ वो तो सीधे धरती के ऊपर आ जाते हैं, ये उनके लिए ट्रांसपेरेंट है। और जब ये यहां से लांगर वेवलेंथ के रूप में बाहर इमिट होते हैं सॉयल से, धरती से, तो इसमें की अधिकांश मात्रा इन ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण गैस है CO2, CH4 मेथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये गैसें क्या करती हैं, इस लांगर वेवलेंथ की जो रेडिएशंस है
उनका अधिकांश हिस्सा ये अवशोषित कर लेती हैं हीट फार्म के रूप में, और उसको पुनः धरती के ऊपर वापस कर देती हैं। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है जिससे वातावरण का तापमान बढ़ने लगता है। अगर ये प्रक्रिया ना हो तो नॉर्मली ये एस्टिमेट किया गया कि पृथ्वी का तापमान जो है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता, लेकिन इस प्रक्रिया के वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो औसतन जो तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तापमान पे कोई भी जीवधारी, ज्यादातर जो जीवधारी हैं वो इस धरती के ऊपर निवास करने योग्य नहीं होते, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस समय बहुत सारे जीवधारी इस धरती के ऊपर जो है जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रभाव है, इसी को हम जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग कुछ और नहीं है, ये पृथ्वी के तापमान का क्रमशः बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है। ये तो नॉर्मल बात थी। अब ये बात आती है कि ये जो तापमान है बढ़ क्यों रहा है। पहले एक दशक में इसकी जो वृद्धि थी वो रिपोर्ट की गई 10.6% जो है ये वृद्धि थी, लेकिन इधर के दशकों में इसमें 1.5% के लगभग वृद्धि एस्टिमेटेड है। 1.5% से लेकर के कुछ लोगों का मानना है कि अगर यही स्थिति रही तो 1.5 से लेकर के 4.5 तक डिग्री तक जो है वातावरण का तापमान बढ़ेगा। तो इसके ऊपर हम विचार करते हैं कि ये नॉर्मल जो प्रक्रिया है तो इसमें इतना तापमान बढ़ेगा क्यों। ये सब जो है मनुष्य की एक्टिविटी के द्वारा है। मनुष्य की जो एक्टिविटी है, मनुष्य का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन की वजह से जो पेड़ पौधे विनष्ट हो रहे हैं उनसे ये जो एक्टिविटी है ग्रीन हाउस की वो बढ़ती जा रही है। तो मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग का है जनसंख्या विस्फोट। ज्यादा जनसंख्या है तो वो तमाम तरह की चीजों का इस्तेमाल करती है, जैसे उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, साथ ही ऑटोमोबाइल्स चाहिए एक स्थान से जाने के लिए दूसरे स्थान को। इसके साथ जो है वो फ्री लैंड चाहिए, फ्री लैंड रहने के लिए। तो इंडस्ट्री जब वो डेवलप करता है तो इंडस्ट्री के अंदर आमतौर पे फ्यूल प्रोडक्ट जो फॉसिल फ्यूल हैं, इनका इस्तेमाल होता है। और ये फॉसिल फ्यूल जब बर्न होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा जो है जनरेट करते हैं वातावरण में। ये एक महत्वपूर्ण जो है गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती है। इसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण में कर रहे होते हैं
जब हम जो है उसको फ्री लैंड डेवलप करते हैं झूम कल्टीवेशन के द्वारा, सिटिंग कल्टीवेशन के द्वारा, तो वो पौधे वहां से नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने की वजह से कार्बन का जो एसिमिलेशन है वो नहीं हो पाता है और इसकी मात्रा जो है बढ़ती रहती है। साथ ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑटोमोबाइल से जो है होती हैं, निकलती हैं, इनके अंदर भी फ्यूल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे साधनों में भी कोल का इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। ये सारे रिसोर्सेज हैं जिनसे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती रहती हैं। साथ ही जो मेथेन गैस है वो मेथेन जो है प्राकृतिक जो जीवधारी हैं उनके जो है वजह से नेचर में जो है सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो प्राकृतिक जीवधारियों के वजह से भी जो है बढ़ती है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डिनाइट्रिफिकेशन के बाद जो है नाइट्रोजन इमिट करते हैं, तो उनका एक स्राव जो है उस तरह से भी है। तो ये और सीएफसी जो है वो आम तौर पे जो इंडस्ट्री के अंदर रेफ्रिजरेंट्स का इस्तेमाल होता है प्रशीतक के रूप में जो है उनसे, और जो है फोम के अंदर और जो है परफ्यूम के अंदर और ऑटोमोबाइल्स एरोसॉल्स के अंदर से ये जो है बाहर आमतौर पे निकलते हैं। तो ये तो सोर्स हो गया कि ये कहाँ कहाँ से ये गैसें जो है निकलती हैं। अब बात आती है कि इनका जो है इफेक्ट क्या होता है जीवधारी के ऊपर। इनका इफेक्ट कई तरह से देखा जा सकता है। इनका सबसे महत्वपूर्ण इफेक्ट क्या होगा? क्लाइमेटिक होगा। क्लाइमेटिक टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बदलेंगी। आमतौर पे जो है अगर 1 डिग्री भी सेंटीग्रेड तापमान जो है बढ़ जाए तो जो पोलर आइस है उनके अंदर मेल्टिंग होगी, मेथेन बर्फ की घटनाएं भी होंगी। साथ ही जब ये बर्फ पिघलेगी तो जो तटीय शहर हैं या जमीनें हैं या द्वीप हैं उनके वाटर के अंदर समा जाने की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो मौसम में परिवर्तन है वो भी हो सकता है। जब तापमान बढ़ेगा तो वाटर का वेपराइजेशन तेजी के साथ होगा गर्मी के वजह से, लेकिन जो वर्षण है प्रेसिपिटेशन रेन प्रेसिपिटेशन वो जो है कम होगा। तो उसका जो है प्रभाव क्या है कि जो लैंड्स एग्रीकल्चरल लैंड्स के रूप में है उसकी नमी जो है कम हो जाएगी, तो वहां पे डिजर्टिफिकेशंस भी हो सकता है। तो एक तो ये क्लाइमेटिक चेंज है। अगर ये क्लाइमेटिक चेंज हुआ तो उसके ऊपर जो है क्या है फॉरेस्ट के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। जो फॉरेस्ट फॉरेस्ट के अंदर जो प्रजातियां हैं उनके नष्ट होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनके अंदर कुछ इस तरह का रेजिस्टेंस पावर भी डेवलप हो जाए जो कि भविष्य में बाकी चीजों के लिए हानिकारक हो। इसके साथ साथ जो है क्रॉप के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। क्रॉप के ऊपर आप ये जानते हैं कि बहुत सारे फसली पौधे जो है वो हर्बेसियस नेचर के होते हैं, और वहां पे यदि जो है 1.5 सेंटीग्रेड से लेकर के
अगर 2 सेंटीग्रेड तक का भी तापमान जो है बढ़ जाए तो ये जो डेलिकेट प्लांट्स हैं ये डेसिकेट हो जाते हैं, सूख जाते हैं। साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ने से जो कार्बन है उसका जो है ज्यादा मात्रा में एसिमिलेशन होगा, तो जो है कुछ समय तक तो ये क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, लेकिन बाद के समय में ये जो है बाइकार्बोनेट्स के रूप में जलों में अवशोषित हो जाएंगे, जलों में मिल जाएंगे और वो फिर जो है पौधों के लिए हानिकारक होंगे। नाइट्रोजन का जहां तक सवाल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वो तो शुरुआती दौर में तेज होगा, लेकिन फिर जो है उसका भी गलत इम्पैक्ट जो है इन फसलों के ऊपर पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से इंसेक्ट्स जो हैं उनका प्रकोप बढ़ेगा, जो कि पौधों के लिए हानिकारक होंगे। तो सब मिला करके तापमान जब बढ़ेगा तो क्रॉप की जो यील्डिंग है वो प्रभावित होगी, और उसके साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी जो है इसका असर पड़ेगा। मैन के अंदर बहुत सारी जो है ज्यादा टेम्परेचर पे बीमारियां जो है डेवलप होती हैं, जैसे हैजा है, कालरा है, ये बीमारियां जो है तेज होंगी और उससे मनुष्य की प्रजाति को भी जो है खतरा रहेगा। तो ये तो इम्पैक्ट हो गया जिसको हमने जो है समझा कि इसका जो है क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब ये बात आती है कि फिर इसके लिए हम क्या करें जिससे ये जो है रुके। तो सीधा सा मतलब है कि उद्योग धंधों को सीमित किया जाए, कम से कम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है खड़ी की जाए। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि जनसंख्या विस्फोट को रोका जाए, पॉपुलेशन को जो है थोड़ा कम किया जाए, उसके लिए कुछ उपाय किए जाए। साथ ही साथ जो झूम कल्टीवेशंस हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशंस हैं, उनको जो प्रैक्टिस में है उनको रोकने का प्रयास किया जाए। साथ ही साथ जो है डिफॉरेस्टेशन को, रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन के अंदर जो है डेवलप किया जाए, सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ाया जाए, पेड़ पौधों की संख्या को जो है बढ़ाने का कार्य किया जाए। तो ये सब जो है तरीके ऐसे हैं जिनको अपना करके हम जो है ग्लोबल वार्मिंग से अपना बचाव कर सकते हैं। इसके लिए विश्व में जगह जगह जो है सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें तरह तरह के सुझाव भी जो है प्राकृतिक संरचनाओं को बचाने के लिए जो है किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पहल है जिसको करके हम पृथ्वी के तापमान को बचा सकते हैं।